बहुत अच्छे फील कर रहे हैं, सुबह से इंटरव्यूज दे रहे हैं, अब थोड़े थक गए बट फीलिंग नाइस। या इट्स अ गुड फीलिंग यार, इस थकान का भी अपना ही मजा है, सो वी फीलिंग गुड। यस एंड यू आर ऑन डोलोस आई हर्ड राइट? या तुम्हें बड़ा, तुम्हें बहुत कुछ पता है। आई एम अ जर्नलिस्ट, वी आर आल्सो जर्नलिस्ट इन द शो बाय द वे। आई एम योर बॉस इन द शो। Because it's just gonna fire me right away. Right? So he's the Dolo wala Dola guy. Quickly, jana chahta hun ki jab bhi kuch naya shuru hota hai, you always feel happy. Yeah. And you're answering this question since morning. So, uske liye kaise feel? Because you're returning back to TV after so long time. Yeah. And these people who are there waiting ki aap kuch to bole humare liye bhi. How is it for the show? With new hopes and heights. Good, बहुत मज़ा आ रहा है, excited to be part of बरसातें, it's a show with Sony and Ekta ma'am and we're looking forward, it's a new age story, it's a new very young love story और बहुत ही practical love story है, बहुत वैसा drama वाली love story नहीं है, so people will relate with this. Yeah, journalist की बात की जाए, because you have become a journalist and you're the boss. Yes. So, कुछ चीज़ें हैं जो आपको बुरी लगती है journalist के बारे में, कुछ चीज़ें जो अच्छी लगती है? मुझको सब कुछ अच्छा लगता है। I love them. मैं एक बात बोलूँगी कि मेरी ना जर्नलिस्ट को लेके और जर्नलिज्म को लेके थोड़ी रिस्पेक्ट जो थी वो और बढ़ गई है, जो रिस्पेक्ट थी वो और बढ़ गई है, सो बिकॉज नाउ आई अंडरस्टैंड हाउ हार्ड यू ऑल वर्क, कितनी बॉस से डांट पड़ती है, इट्स नॉट एन ईजी जॉब, और कितनी बॉस से डांट पड़ती है, मेरे बॉस से मुझे इतनी डांट पड़ती है, तो आई एम श्योर आप लोग को भी मुझे देखो सबकी सिचुएशन सेम नहीं होती ना, सब सब मेरी तरह सुंदर भी नहीं होते। एंड दीस कंपनीज जो काफी काम कर रही है इंडस्ट्री में, दे हैव दिस रूल दैट यू कांट हैव रिलेशनशिप विद द बॉसेस एंड द कलीग्स, सो आई डोंट नो, हमारे में कोई ऐसा नहीं है, हमारे हम बॉस हैं, हम अगर पसंद आई हमारी कलीग तो हम प्यार कर सकते हैं। शी शेयर्ड कि उनको काफी मजा आ रहा है जानकर कि जर्नलिस्ट कितना हार्ड वर्क करते हैं। डू यू लाइक थिंग्स अबाउट जर्नलिस्ट, और कुछ ऐसा जो आपको नहीं पसंद आता यूजुअल? ऐसा कुछ नहीं जो पसंद आने की चीज़ नहीं, सबके अपने अपने जॉब होते हैं और सब अपना जॉब करते हैं, कभी कभी कुछ ख़राब लिखा जाता है तो वो पढ़ लेते हैं, बिकॉज दैट्स पार्ट एंड पार्सल ऑफ आ जॉब ऑल्सो, बट हैविंग सेड दैट मेरा कभी किसी जर्नलिस्ट से कुछ ख़राब रहा नहीं, हमेशा सबसे अच्छे रिलेशन रहे। हाँ, कम मुलाकातें होती हैं क्योंकि मैं बाहर कम जाता हूँ और इंटरव्यूज़ भी कम देता हूँ, थोड़ा भागता हूँ, बट अभी दे रहे हैं एंड इट्स फन, इट्स वेरी फन। क्या अफवाह फैलाऊं? तुम क्या फैलाओगी? That Kushal is getting married. Okay. अफवाह। एक अफवाह आई थी दैट माय मॉम वेंट टू लंदन टू सी अ गर्ल फॉर मी। अच्छा अफवाह है? अफवाह है। मेरे बारे में? किसी से अफेयर, कहीं पर जाना? हाँ मैं सोच, वो तो बहुत अफवाह आ रही है। हाँ, अरे मैं सोच रही हूँ कि अफवाह आए ऐसी अफेयर की, किसके साथ? किसके साथ यार? अभी मुझे आई थिंक ई एन सोमनहोल्डर डेमन के साथ। ओके, एंड सिंस इट्स बरसाती शो, बरसात का मौसम भी है, सो यू नो हम बहुत जाते हैं बरसात में घूमने, ट्रैकिंग करने, सो आप कभी भी गए हो या जाना चाहोगे ट्रैकिंग करने? बहुत सारे कैंपिंग वगैरह। बरसातों में तो बिल्कुल नहीं करूँगा, फिसल जाएंगे, ठंडी बड़ी टूट जाएगी यार, अभी बैग टूटे। मज़ा आता है वाटरफॉल देखने का एंड यू नो नेचर को इन्जॉय करने का। नेचर में मज़ा आता है, गाड़ी में बैठो ड्राइव करके जाओ और देखो, ट्रैकिंग तो बिल्कुल नहीं क्योंकि लक बहुत ख़राब चलता है इन सब चीज़ों में, इंजरी प्रोन है, सो ट्रैकिंग तो नहीं बट बाइक कार इंजॉय कर सकते हैं। आई थिंक यू लाइक लॉन्ग ड्राइव्स, यू नो व्हेन इट्स रेनिंग एंड ऑल दैट, तो पैनोरामिक सनरूफ हो, अगर खुला हुआ ऐसा, ऐसे बारिश को ऐसे इंजॉय करो, बट साथ ही साथ आई थिंक जब पहली बारिश होती है तो उसमें भीगने में भी मज़ा आता है, तो वो भी है। बट बचपन में ना हमारे घर में एक छोटा सा एक वाटरफॉल जैसा निकलता था एक जगह से, मैं देहरादून में रहती हूँ, पहाड़ी इलाका है, तो वहाँ पे ना एक जगह से ऐसे छोटा वाटरफॉल टाइप में निकला, हम तो वाटरफॉल ही बोलते थे उसे, तो हम बड़े बहुत एंजॉय करते थे यार। ओके, फेवरेट फूड कौन सा रहता है आपका जो बहुत ड्यूरिंग मानसून? प्याज के पकौड़े। मैं मेरा ऑल टाइम गोलगप्पे, पानी पूरी ऑल टाइम, वो हर सीजन नहीं, बारिश में उस पे बारिश में भी
आजकल मुझे वड़ा पाव खाने का बड़ा मन करता है। शिवांगी आपके लिए ये बारिश यू नो काफी शायद से अमेजिंग रही है क्योंकि एक सॉन्ग भी बारिश से रिलेटेड आया है जी और शो भी आ रहा है, क्या कहना चाहूंगी इस बारिश के बारे में? मैं ये कह ही रही हूँ यार सुबह से कि बारिश से इस साल शायद मेरा कुछ रिश्ता अलग सा जुड़ गया है, विच इज़ अमेजिंग इन अ गुड वे। सो मज़ा आ रहा है, सॉन्ग अच्छा गया, इट्स अ ब्यूटिफुल सॉन्ग। शो हम शूट कर रहे हैं, स्टोरी हमें पता है, हमें पता है हमें कितना मज़ा आ रहा है शूट करके। एंड तो बस अभी वेट कर रहे हैं यार 10 जुलाई को जब टेलीकास्ट होगा 8 बजे सोनी टीवी पे, जब आप लोग सब देखेंगे तो कैसा लगेगा? मतलब एक्साइटमेंट है बट ऑल्सो लिटिल यू नो थोड़ी सी नर्वसनेस भी एट द सेम टाइम, बिकॉज नई जर्नी है, एक नया चैप्टर है लाइफ का, न्यू फेज है। सो जस्ट होपिंग कि सबको अच्छा लगे। वेरी नाइस, फीडबैक वाज वेरी नाइस, वी गॉट रियली गॉट गुड फीडबैक। या वी गॉट गुड फीडबैक, मतलब पहले तक हम थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट कर रहे थे कि जोड़ी को लेके लोग क्या कहेंगे, अच्छी लगेगी बोलेंगे कि नहीं है, क्योंकि हमें समझ में नहीं आ रहा था ऑनेस्टली। पर्सनली मिलने से पहले एक दूसरे को हम खुद भी नहीं सोच पा रहे थे, बट जब हमने देखा साथ में ऑन स्क्रीन मतलब मॉनिटर पे, हमें भी अच्छा लगा। और जब लोगों ने टीज़र देखा तो टीज़र देखने के बाद आई थिंक रिस्पॉन्स ज़्यादातर यही था कि अच्छी लग रही है जोड़ी और यूनिक लग रही है, अलग लग रही है, फ्रेश पेयरिंग है, अलग लग रही है, अलग डिफरेंट, हाँ अलग ऐसे प्लैनेट्स आए लग रहे हैं दोनों, एलियंस, टू एलियंस कमिंग टुगेदर। मैं सवाल दे दे के थक चुका हूँ वाली, मैंने कोई स्पेस नहीं लिया, मैंने बेहद ख़त्म किया था 2018 में, 17 में चालू हुआ था, 2019 में मैंने एक वेब सीरीज़ की थी हम, 2019 में मैंने बेवाकी की थी, 2020 में कोविड आ गया था और अभी मैं बरसातों के साथ आ गया हूँ, मैंने कोई गैप नहीं लिया था। हाँ टीवी में 5 साल बाद आ रहे हैं, बट पता ही नहीं चला कि 2 साल तो कोविड में चले गए। सो 18 में बेहद ख़त्म हुआ था एंड 23 में हम इसमें वापस आ गए एंड देयर वाज नो पर्टिकुलर रीज़न टू टेक अ ब्रेक फ्रॉम टीवी, इट्स जस्ट दैट कोई बेहद के बाद अच्छी स्टोरी आई नहीं थी, अभी अच्छी लव स्टोरी आई है। और एक तो मैम का जब फ़ोन आया था, दैट शी इज़ राइटिंग अ स्टोरी पुटिंग मी इन माइंड, दैट्स अ वेरी बिग कॉम्प्लीमेंट कि मैं तुम्हें देख के एक स्टोरी लिख रही हूँ। सो व्हेन शी नरेटेड मी द स्टोरी इट वाज नाइस एंड फ्रेश एंड दैट्स व्हाई आई एम हियर डूइंग बरसाते विद शिवांगी जोशी। हाय काफ़ी एलियन है, she's a no nonsense girl, does her work and just go like that. That's me, no. No? That's nice. No. Like that is ke apne kaam se kaam rahe. Haan ki faltu ke logo chabar chabar nahi karne ka, kaam karne ka jisliye aaye ho aur jaane ka wapas. But I am like that. I am like that. Matlab main I'm nice to everyone obviously, but मैं आती हूँ, मुझे अच्छा लगता है अपने अपने काम पे ही फोकस्ड रहना, ज़्यादातर अपने काम पे ध्यान दे के अच्छे से करूँ, मैं उसी में रहती हूँ यार मुझे सीन कैसे करना है, मैं पूरा टाइम कॉन्स्टेंटली आई एम थिंकिंग अबाउट दैट एंड देन आई मीट एवरीवन नाइस, नॉट लाइक आई डोंट मीट एनी बडी एंड जस्ट इग्नोर, ऐसा भी नहीं। पहले मैं एक क्वालिटी बता देती हूँ, सो इट्स जस्ट दैट कुशाल को जब मैंने फर्स्ट टाइम, जब हम पहली बार मिले थे ड्यूरिंग आर मॉक शूट और उसके बाद व्हेन वी स्टार्टेड शूटिंग, देर वॉज अ ह्यूज डिफरेंस इन द अपीयरेंस, यू नो द वे ही लुक, बिकॉज आई थिंक ही वर्क सो हार्ड इन दोज फ्यू डेज जिनके लिए, बिकॉज आई वाज इंजर्ड, आई वाज बेड रेस्ट फॉर 6 मंथ्स, सो आई हैड गेन वेट, सो आई हैड टू गेट बैक इनटू शेप। तो शेप का कहना है कि द हाउ फास्ट आई चेंज्ड एंड आई गॉट बैक इनटू शेप, बिकॉज इट टेक्स अ लॉट ऑफ एफर्ट एंड यू नो बहुत मेहनत लगती है यार वो जंप लाने में, बिकॉज हम सब वर्कआउट करते हैं, हमें पता है यू नो टू दिन में बस भाई। सो बेसिकली आई हैव लॉस्ट 18 or 20 kgs इन 2 months, सो दैट इज कमेंडेबल, आई मीन द वे ही इज यू नो वर्किंग आउट, उनके रूटीन सुबह 6 बजे 4 बजे जो भी उठ के वो वर्कआउट करते हैं, फिर वापस जाने के बाद वर्कआउट करते हैं, ऑनेस्टली मुझ में तो इतनी स्ट्रेंथ ही नहीं बचती है कि मैं करूँ, या तो मैं सुबह कर सकती हूँ या मैं रात को कर सकती हूँ, मैं दोनों टाइम नहीं कर सकती, सो दैट इज कमेंडेबल आई थिंक, इट्स अमेजिंग। अभी आपने जस्ट एक कमेंट दिया था आई डोंट वांट कि मेरा शो 5 साल तक चले भाई, बिकॉज मेरे को नहीं अच्छा, मैं एक जगह 5 साल नहीं बैठ सकता हूँ ना, दैट्स व्हाई दैट वाज माय चॉइस, आई मीन भगवान करे शो चले,
और आगे कोई और करे फिर बट बिकॉज शी ओके बिकॉज शी डज वो छः साल बड़ी हुई है एक शो में हमसे नहीं हो पाता एक डेढ़ साल हो गया शो बहुत हो गया लेकिन ठीक है आई थिंक इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन सबकी अपनी पर्सनल चॉइसेस प्रेफरेंसेस होती हैं सो इट्स ओके बट चले हमारा शो 5 साल चले 50 साल चले आगे बोलो For Ryansh, Ryansh is a guy who was non-conformist, non-feminist. He has a wall around him, which no filter. No filter. Bebaak hai, sakht londa hai. Oh, and, that is new. Yeah, ye wala naya hamara. New, new. And he's very righteous. And kaisa radno ko milta hai, aur unke beech mein pyar hota hai. Strong-headed, you're missing. Which? Strong-headed. Bol diya maine. Nahi bola. Strong-headed. First me, okay. Second her, third first storyline. Second me, third her, fourth. Why second you? पहले मैंने story को डाला ना. First मैंने story को डाला. No, why are you not third? Okay, third you. मैं अपने fans के लिए बोल रहा हूँ ना. फिर भी third. For me. Last question. हाँ बोलो. तीन बहुत हैं. चैलेंजिंग यार ऐसे कुछ चैलेंजिंग तो नहीं था आई मीन मैं बस कोशिश कर रही हूँ अपने क्राफ्ट को बेटर करने की कि मैं अपनी एक्टिंग को और कैसे इम्प्रूव कर पाऊँ और कैसे अच्छा कर पाऊँ कि लोग जब देखें तो उनको लगे कि हाँ थोड़ा कुछ डिफरेंट दिख रहा है एंड बाकी जर्नलिज्म के बारे में नई नई चीज़ें पता चल रही हैं बिल्कुल जैसे आप बात करते और इंटरव्यू लेते ना फिर थोड़ा थोड़े रियांश ट्रेड्स हैं आप में और बाकी जैसे आप लोग कर रहे हो वो आराधना वाले ट्रेड्स हैं तो मतलब मैं आप लोगों को ही देख के सीख रही हूँ यार अपने पुराने इंटरव्यू जाके देखती हूँ कि आप लोग कैसे बात करते हो क्योंकि एक सीन है मैंने ये मेंशन भी कर चुकी हूँ पहले एक सीन है जहाँ पे मैं एक एक्ट्रेस का इंटरव्यू ले रही हूँ इन द शो तो मैं उनको इसी तरीके से बोल रही हूँ स्वागत है आपका हमारे शो में बताइए आपकी कहानी एंड ऑल दैट और मैं ऐसे बोल रहा हूँ कि हाँ बोलो क्या है बताओ क्या सीन है तुम्हारा इट्स एक्साइटिंग और हमारा शो 10 रीजंस The story is very realistic. Love stories को लेके नया टेक है Obviously it's शिवांगी जोशी इन द शो It's एकता कपूर शो बारिश का मौसम प्यार का शो लेके आ रहे हैं ऐसे मौसम में ये शो परफेक्ट है एंड वी ट्राइंग टू डू समथिंग डिफरेंट जो ऑडियंस के लिए अलग है थोड़ा कुछ एंड मेरा भी तक नहीं है Also Kushal Tandon and which कितने बचे दो बचे ना और दो आप बता दो Please watch Barsaat on Sony Television from 10th of July 8 p.m. onwards. Thank you guys so much for coming and love you all. Quickly जाते जाते बरसात वाली कोई memory बस उसके बाद हम समाप्त ही जाते हैं. Football मैं soccer बहुत खेलता हूँ बारिश में. ऐसा ड्रीम पता नहीं यार अभी ऐसी कुछ मेमोरी देखते हैं कुछ होगी अगली बार तो बताऊंगी अभी फिलहाल जो बचपन की मेमोरीज हैं जिनके बारे में मैं बहुत बात कर चुकी हूँ नेक्स्ट बारिशों में बात करेंगे थैंक यू सो मच गाइस